नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि गृह प्रवेश की जो प्रक्रिया है, जो पूजा है, वो हो चुकी थी। उसके बाद था हवन करवाना था और हलवा बनाना था। तो आंसू बनाने लगी थी उधर हलवा, क्योंकि यहाँ पूजा में बैठना जरूरी था। तो पंडित जी कहने लगे कि आप पूजा में आ जाओ, क्योंकि लेट हो गया था। तो इस वजह से फिर मन के कभी अंधेरा हो जाए। और बाद में तो खैर देखे, रात सी तो हो ही गई थी जब, मतलब ये पूजा खत्म हुई जब। तो यहाँ पे देखिए, पंडित जी ने कर दी है पूजा शुरू। और बहुत सारी चीजों का तो खैर मैं सही में बताऊँ, हमें भी पता नहीं लगता। जैसे जैसे पंडित जी बोलते रहते हैं, वैसे वैसे ही हम लोग करते रहते हैं। दो चार मंत्र आते हैं अपने को जो नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसके अलावा तो देखिए, जो पूजा की विधि है और जो भी चीजें हैं, वो सारी पंडित जी ही करवाते हैं। और इसके डैडी ने विशेष रूप से बोल दिया था पंडित जी को कि पंडित जी पूजा जो है वो अच्छी, मतलब अच्छी तरह करवाना। ये नहीं है कि भाई कोई जल्दी है, कई बार होता है ना कि जल्दी जल्दी में थोड़ी बहुत करवा देते हैं, तो वो वाली नहीं थी। तो खैर देखिए, बस यहाँ पे पंडित जी जो हैं वो धागे वगैरह बांधने लगे हैं, और उधर आशु जो है वो हलवा बना रही। और आज पता नहीं क्या हुआ बच्चों को, अब ऐसे हमारे कोई सा बच्चा सोता नहीं, लेकिन आज इन्हें सारों को इतनी नींद आ रही थी कि बस यही हो रहे थे कि हम कब मेरे को सो जाएं। तो बस फिर, बल्कि कृष्णा तो सो भी गया था। ये तो शुरू में ही थोड़ी सी देर तो बैठा रहा, फिर इसको आलस आता रहा, और आलस आते आते ये सो गया। तो देखिए, यहाँ पे सभी एक एक करके जो है वो धागा बंधवा रहे हैं, और ऊपर मेरे लड्डू गोपाल दोनों बैठे हुए देख रहे हैं सब कुछ। तो बाद में लड्डू गोपाल भी फिर नीचे आ गए थे। पहले पंडित जी ने जो मेन मेन सी पूजा होती है, जो नवग्रहों की, देवी की, देवताओं की और बाकी सब की पूजा होती है, वो कराई थी। और उसके बाद करवाना था हवन। और मतलब अच्छा भी लग रहा था, खुशी भी हो रही थी, और मिक्सअप सा सारी चीजों में हो रखा है हमारा थोड़ा सा, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिर लड्डू गोपाल को भी बिठाया था। पहले तो पंडित जी कह रहे थे कि कोई नहीं ऊपर ही बैठे रहने, तो फिर मुझे अपने आप को यूं लगता रहा। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे ऊपर बैठे, आला मतलब अलग से बैठे, सब यहाँ पे है। फिर मैंने कहा नहीं, पंडित जी नीचे ही बिठा लो, कि चलो बिठा लो फिर। तो फिर बाद में उनकी भी जो पूजा होती है अच्छी तरह, वो भी हुई है। तो जी देखिए, बस ये करके हमारी, और सच में एक एक दिन इस दिन के लिए हम लोगों ने इंतजार किया है। और खुशी तो है ही जितनी है, दुख भी है जो है। और आगे जब हवन हो रहा था, तो बस मुझे ना, जैसे मैं कुछ भी करती हूँ तो मुझे अचानक से अपने पापा जी एकदम से याद आ जाते हैं, और मैं, मेरा ना अपने आप ही आंसू बहने लगते हैं। इसके डैडी भी बल्कि रोकते नहीं, वो देख देख तो लेते हैं, बच्चे भी देख लेते हैं ये भी, लेकिन ये रोकते नहीं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि भाई वो पल इस तरीके के हैं कि जिनमें रुका ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पे भी बल्कि मैं हवन में बैठी बैठी ही रोने लगी थी, और बस क्या करे, खैर चलिए। तो देखिए, बस यहाँ पे जो वैसी पूजा है वो हो चुकी थी, और अब बारी थी हवन करने की। तो पंडित जी ने जो है हवन की अग्नि प्रज्वलित करवा दी थी। स्वाहा
तो जी देखिए यहाँ पे अब होने लगी थी आरती। और आप लोग फिर कहोगे कि पंडित जी क्यों नहीं खड़े हुए, हमें भी नहीं पता जी, ना हमने कभी पूछा उनसे इस बारे में, या कभी हमने सवाल उठाना उचित नहीं समझा उस चीज के बारे में। क्योंकि जब वो पूजा वगैरह करवाते हैं या कुछ भी, तो ये उनका अपना होता होगा कि उठना नहीं उठना या क्या उसमें नहीं, हमें अपना पता है कि भाई हम लोगों ने खड़े होके पूजा कर लिया। और यहाँ पे ना हम इधर कान्हा को देख रहे थे, तो पीहू मुझे यहाँ पे ये कह रही थी कि मम्मा कान्हा गोविंद जो माधव है ना, वे बहुत खुश हो रहे हैं। तो मतलब उनके जो चेहरे के भाव जो नजर आ रहे थे उस समय, तो वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो खुश हो रहे। तो यहाँ पे पीहू मुझे वही कह रही थी। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे सारी पूजा हो चुकी है, अब जो पंडित जी हैं वो कर रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं जो देते हैं। और बस अब तो यही इच्छा है कि भगवान करे सब कुछ अच्छा ही हो। और धनतेरस से पहले हम लोगों का है कि हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, और काम उसी तरीके से हम करवा रहे हैं कि भाई जहाँ जहाँ, क्योंकि इस मंथ हमें ये वाला जो घर है ये खाली करना ही करना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं करना नहीं या कुछ भी। तो बस इस वजह से फिर इस हम उसी तरीके से अपने काम को भी लेके चल रहे हैं कि भाई बाद में दिक्कत ना हो या धूल मिट्टी ज्यादा ना उड़े। देखिए जब तक काम चलता रहता है थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन फिर भी हमारा ये है कि नहीं, मतलब जो जरूरी जरूरी है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा सो रहा था ना हमारा, और प्रसाद के टाइम पे से कैसे ना कैसे करके उठा दिया था, तो इसने भी अपना प्रसाद ले लिया था। उसके बाद बस हमें बांटना था प्रसाद। और यहाँ पे ये जो है ये था गेट पे बांधने का तोरण बोलते हैं इसको शायद, तो वो। और मैं यहाँ पे देखिए सबके लिए करने लगी थी हलवा बना, तो आसू ने दिया था। फिर मैं बांटने के लिए मैंने ये जो थोड़े छोटी छोटी सी कटोरिया होती है ना, ये कपत्तल बोलते हैं इनको, दोने वो मंगवाए हुए थे। और बाहर मिस्त्री जी भी थे, प्लम्बर भी आए हुए थे, और भी जो थे, मैंने कहा सबके लिए हो जाएगा। और जो पंडित जी हमारे यहाँ पे जितने भी पंडित जी आते हैं, आपने अब तक देखे होंगे जितने भी, उनमें से कोई भी मीठा नहीं खाता, सबको शुगर है या तो या पता नहीं क्या है कि उन्होंने अवॉइड किया हुआ। इनमें से कोई भी मीठा नहीं खाते, सबके लिए दूध जो है वो फिक्का ही होता है सारा कुछ। तो मैं पंडित जी के लिए दूध कर रही थी, और इधर पीयू के डैडी जो है वो बाहर प्रसाद बांटने चले गए थे। हलवा भी था, लड्डू वगैरह भी था, तो वो सबको बांट रहे थे, जो कोई आए गए भी हैं उनको भी दे रहे थे। तो उसके बाद बस देखी यहाँ पे मैं पंडित जी के लिए दूध ठंडा कर रही थी, और बाकी सबने भी फिर बैठ के
प्रसाद खाया था यहाँ पे, तो ये देखिए। और प्यू के डैडी तो बेचारे बैठ के एक भी काम आराम से कर ही नहीं सकते, वो बैठते बाद में उनको आवाज पहले लग जाती है, तो वो बाहर ही थे। और उसके बाद बस फिर सब लोग यहाँ से जाने की तैयारी करने लगे थे। हमारा जो गृह प्रवेश का मुहूर्त है वो हो गया और हमने आपस में सबने कर लिया, गांव वाले भी थे सब उसमें सम्मिलित, सबकी सहभागिता से। और यहाँ पे जैसा कि विशेष है आज अवसर, तो इस विशेष अवसर पे आशु और जिज्जा जी की तरफ से हमें मिला एक विशेष तोहफा, और मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कुछ हो सके हमारे घर के लिए कि सबसे शुभ कदम सबसे पहले हमारे राधे कृष्ण जी के आए, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। और आज मेरे मन में ये था कि राधा रानी भी घर में आए, पता नहीं राधा रानी ने क्या करा आज कि राधे और कृष्ण जी देखो दोनों ही, और इतनी सुंदर ये लग रही ना, बस मेरा तो मन खुश हो गया सौदा जी देखो। धन्यवाद जी दोनों का आपने, जो ये दिया ना आपने सच में मुझे था तृप्ति होगी, तृप्ति होगी, मतलब ऐसा लग रहा कि मन की इच्छा ही पूरी होगी तृप्ति मेरी। तो यहाँ पे ये है मेरी राधा रानी और कान्हा जी, और झूले में झूलते हुए हैं ये इधर मौसी हैं, और इन्होंने सिर्फ एक में ही सीमित नहीं रहे, ये देखो यहाँ पे दो ये रहे, एक ये रहा होगा, नहीं देखे बेटे आजा तू भी, तेरी भी इस पर अलग हो गया तुझे भी बताया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दोनों भाई क्या चारों भाई क्या में सारी चीजें बहुत अच्छी और घर में सारी सुख संपत्ति आए, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, समय के साथ वो सारी चीजें भगवान के आशीर्वाद से, मतलब मैं ना जो कहना चाह रही मेरे को सब मुझे नहीं बता सकती मैं क्या मैं तो
जी देखिए, आपने देख लिए हैं गिफ्ट कितने सुंदर थे। और सच में मुझे ना बहुत बार ऐसा महसूस होता है, अपने आप में ही मुझे महसूस होती है ये चीज़। पता नहीं मुझे बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेरे मन में कोई बात होती है ना, या मैं चाहती हूँ वो हो, तो भगवान किसी ना किसी तरीके से उसे पूरा कर ही देते हैं। और इस मामले में मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैंने अपने जीवन में जो जो कुछ भी चाहा है वो भगवान ने मुझे दिया है। चाहे पहले मिला चाहे बाद में मिला, लेकिन मिला जरूर है। और बस कृष्ण भगवान की कृपा देखिए कि मैं मतलब आज ही मेरे जीवन में, मतलब अपने मन में, मैं घर से निकलते हुए जब मैं सोच रही थी तो तब मेरे मन में था कि हाँ, राधा रानी भी जल्दी ही घर में आए, किसी भी स्वरूप में आए। स्वरूप मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे गोविंद माधव है, तो मुझे था कि राधा रानी उनके लिए आएंगी घर में, और वो इस रूप में आई हैं, और कान्हा जी और राधा रानी दोनों ही साथ में। तो सच में मुझे ना कई बार अपने आप पे मतलब होता नहीं विश्वास कि हाँ, मेरे मन में ये चीज थी और भगवान ने एकदम से सुन ली और एकदम से पूरी कर ली। तो बहुत मतलब मन इतना मेरा खुश हो गया उन्हें देख के, ऐसा लगा कि चलो पूजा भी मेरी सफल होगी और नए घर में राधा रानी के चरण आए, कान्हा के चरण आए, किसी भी रूप में आए, किसी भी प्रकार से आए। तो वो बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान ने मतलब सब कुछ शुभ संकेत ही हैं, और भगवान करेंगे आगे भी इस घर में सब कुछ शुभ शुभ ही होगा। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे जो खाने पीने का सामान था वो मैंने आशु को दे दिया था, मैंने कहा वो उधर लेके चले जाएंगे, और बाकी जो भी सामान है वो मुझे यहाँ से अभी ही उठाना था, क्योंकि रात को लेटना तो था यहाँ पे, पीयू के डैडी लेटे थे बल्कि बाद में, पर मिस्त्री जी को सुबह ही जल्दी आना था। तो ये कहने लगे कि इन दो अभी कर दे, फिर सुबह ही सुबह होने का नहीं, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था तो उस टाइम तक हो नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा है कि तू अपना अभी कर दे, यहाँ पे क्लीनिंग जो भी होती है वो सामान उठाने की वो कर दे। मैंने कहा चलो, पहले मुझे भी ये था, मैंने कहा रात को हम लोग उधर लेट जाएंगे आशुर के पास, पर मुझे फिर घर जाके थोड़ा सा सुबह का बच्चों का देखना था, ड्रेस वगैरह सारा कुछ, और मेरी हालत ऐसी खराब हुई, फिर मैं गई नहीं वापस। फिर बच्चे भी बल्कि उधर ही आ गए थे जहाँ मैं रहती हूँ, मैंने कहा बस इधर ही ले आओ आप बच्चों को भी। तो बस फिर मैं और दोनों बेटियाँ घर पे रुके थे, कृष्णा और उसके डैडी यहाँ पे रुके थे रात को, क्योंकि जिस दिन पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं, उस दिन घर को अकेला नहीं छोड़ा जाता। तो जी देखिए, यहाँ पे सारा काम निपटा के हम लोगों की तैयारी होगी तो वापस आप जाएंगे। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की, रात को तो डैडी रुकेंगे आशुर के यहाँ पे, क्योंकि आज रात को घर अकेला नहीं छोड़ना। और जो जरूरी सामान था, गैस वगैरह, ये बर्तन वगैरह हमने उठा लिए, और ये जो कुछ है उनको अभी आपके लिए घर पर रखवाऊंगी मैं, क्योंकि हमें तो सामान शिफ्ट करना है, फिर खाना डर खराब हो जाएगा। तो इस वजह से तो चलिए खैर, अब इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पर। वीडियो कैसी लगी बता सकते जरूर बताइए, और अपनी देर सारी कैसे दीजिए। इसलिए हमें घर है कि हर तरीके से हमें छूट आए बोलते हैं क्या, कि मतलब हर चीज़ में बहुत अच्छा रहे, और भगवान करे कि हमारा पूरा जीवन ऐसे ही। तो